आज हमने कहा उत्तराखंड में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का आंसर की। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ये 4 दिसंबर 2020 को हुआ है, और आपको बता दें कि इसके पहले हमने अन्य पार्ट के आंसर की डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें। और इस पार्ट में हम शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो डी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं, आप इसको मिला लें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए, तो ए ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे, वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने। बी ऑप्शन दिया गया था, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से भिज्ञ हो। और सी दिया गया, वो अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही दिया गया था, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शिक्षण का पहला चरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता, इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है। तो पहला दिया गया था यहाँ पे, आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। बी दिया गया था, छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया, ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है, तो यह है यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 155, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है, तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वह है यहाँ पर सीखना सरल और रोचक हो जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर वो बी यहाँ पर सही है, वो अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी है, विनम्र होना चाहिए लेकिन दृढ़ होना चाहिए। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे छात्रों की तैयारियां पाठ्य पुस्तकिया मात्र तो नहीं इसका निरीक्षण करें, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा, तो इसका जो राइट आंसर वो यहाँ पे बी है, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए, तो उसका राइट आंसर यहाँ पे सी सही है, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। नेक्स्ट, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं, तो उसका जो राइट आंसर वो डी सही है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं उसका जो राइट आंसर यहाँ पर सी सही है, कि वे अपने छात्रों के अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जगह है। नेक्स्ट, यहाँ पे प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सीखना हो तो उसका कठिनाई स्तर है, तो इस जगह क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है प्राथमिक स्तर पर, तो वहाँ पे सबसे पहले सरल से कठिन की ओर, यानी जो उनको पता नहीं है उससे बताया और धीरे धीरे कठिन की ओर ले गए, तो ये जो विधि है वो प्राथमिक स्तर पर काम आती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। सीखने सिखाने के दौरान दिए गए आकलन से शिक्षक को, तो इसका जो राइट आंसर वो बी सही है, क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया। नेक्स्ट है, व्यापक आकलन का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चों की पारंपरिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि परस्पर तुलना से बच्चों में, तो पहला था यहाँ पे हीन भावना जागृत होती है, द्वेष भावना जागृत होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, यानी हीन भावना जागृत होती है और द्वेष भावना जागृत होती है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ए वाला इसका सही था। नेक्स्ट, यहाँ पे एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही है, पहला दूसरा तीसरा, यानी विचार और कार्य में मौलिकता प्रदर्शन, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर संवेदना और सोचने विचारने की नवाचारी तरीका, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कक्षा कक्ष में बच्चों को धारण दर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि, तो इसका राइट आंसर सी यहाँ पे सही, कक्षा में नियमित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना चाहिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है जिसका राइट आंसर यहाँ पे सी सही है, उसके शिक्षण में रुचि हो, वह अपने विषय में पारंगत हो, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक, तो शिक्षक जो है इसका राइट आंसर बी है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मौलिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन क्षमताओं को जान सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही है, सुनने दोहराने व निर्देशों को समझने व उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको पता चले कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टि बाधित है तो आप उसके लिए कौन सा तरीका जो है वो सबसे अच्छा है यहाँ पर, तो उसको श्यामपट के नज़दीक बैठाएंगे और श्यामपट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे जो है शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलती है, और बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलती है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही थे, तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कि वो हर कार्य को करने में उत्साहित होता है और कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, तो ए और बी यहाँ पर सही, यानी फर्स्ट और सेकंड आंसर सही था, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आकलन का उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर सी है, सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। समान शैक्षिक अवसर, इस कथन से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है यहाँ पर सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे कि वो अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, और इसके साथ ही यहाँ पर सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजना बताना, तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही है कि उत्तम शिक्षण हुआ है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विद्यार्थी के नैतिक गुणों का विकास तब होता है जब स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करें और विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करें, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, तो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे कहना चाहिए कि वो इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन करने के बाद जो है वो बताएंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसकी कक्षा में अनुपस्थित होने के का कारण जानेंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट है, विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने का उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही है कि बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्षों के विषय में चर्चा करना। नेक्स्ट यहाँ पे, एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य या कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए, तो कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसे कार्य के संबंध में त्रुटियों एवं सुधार का उल्लेख हो, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही है कि शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे बी सही है कि उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, बच्चे अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी यहाँ पर सही है कि बच्चे को दंड देना तथा कहना कि ऐसा कार्य दोबारा ना करें जो अच्छा नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सभी के सभी सही है कि गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, साथ ही यहाँ पे गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए और गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, तो सभी के सभी यहाँ पर सही थे, यानी डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पर सही हैं, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी सही है कि अध्यापक को अनुभव तथा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे था कि निम्नलिखित में की समीक्षा कीजिए, कक्षा में अध्यापन कार्य की तरह की युक्तियाँ सम्मिलित होनी चाहिए, और यहाँ पे दिया गया है छात्रों की अधिगम शैली, कारण दिया गया इसका छात्रों के अधिगम शैली की व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं,
पढ़ा रहा है, यदि दूसरों के विचार आपके विचार के विपरीत हैं तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, यह उनके भावनात्मक विकास को ध्यान में रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षक छात्रों की समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर सी है, प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर। नेक्स्ट यहाँ पे, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है, तो वह यहाँ पे स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है, तो यह है चर्चा विधि द्वारा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहेंगे, तो यह है यहाँ पे मित्रवत, तो ये ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में व्यस्त रहते हैं तो अध्यापक को चाहिए कि वह तो उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नजर रखें, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के इच्छुक होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, जो छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि तो वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जगह है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया, इससे पहले हमने जीएस के भी आंसर की डाल दिए हैं, तो सभी के सभी आंसर की आप यहाँ पर देख सकते हैं।